पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। हाँ, ये चेक। What? चेक सब चेक। माफ कीजिएगा साहब, ये चेक एंड वेट। ओह, हमारे राम जी, दक्षेश भैया हार गए? कर दिया। वाह, तिवारी जी। वाह, तिवारी जी। क्या बात है, वाह। लेकिन कैसे? अरे नहीं नहीं, वो तो मेरा ध्यान नहीं था इसलिए वो। पापा, अब आप हार गए तो हार गए, है ना? इसमें क्या? हाँ, दक्कू अंकल, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। वेल प्लेड दक्कू अंकल। बट तिवारी जी कमाल कमाल हाँ। सच में, मतलब तिवारी जी आप तो एकदम जीनियस निकले है ना? एक्चुअली। वाह। नहीं नहीं मैडम, ओ साहब का ध्यान नहीं था ना इसलिए साहब हार गए। पता नहीं कैसे चेकमेट हो गई। वैसे साहब बहुत अच्छा खेलते हैं मैडम। हाँ। और नहीं तो क्या? अच्छा, मैं एक बात आप लोगों को सच सच बता ही देता हूँ, और सच ये है कि ये गेम मैं तिवारी से जानबूझकर हारा हूँ। दरअसल मैंने तो पहले से ही सोच लिया था कि मैं तिवारी के साथ तीन गेम खेलूंगा। पहला गेम यानी ये, मैं जानबूझकर हार जाऊंगा, और अगले दो गेम मैं तिवारी को आसानी से हरा दूंगा। बेस्ट ऑफ थ्री, यही था मेरा खेल। ब्रिलियंट आइडिया देखो भाई। थैंक यू देवी। तो क्या बोलते हैं आप लोग, बेस्ट ऑफ थ्री गेम्स हो जाए? हाँ हाँ। यस मम्मी, तो हम नेक्स्ट मैच कल रखते हैं। यस, कल पता चल जाएगा कि कौन है बेहतर खिलाड़ी। जिस तिवारी को मैं कमजोर प्यादा समझ रहा था, वो तो होशियार वजीर निकला। दक्कू, अगर कल की दूसरी मैच भी ये जीत गया तो मुझे कल की गेम किसी भी हाल में जीतनी है, किसी भी हाल में। दक्कू दक्कू, तू मान ले कि तिवारी तुझसे बेहतर चेस खेलता है, क्योंकि खाली पुकड़ अगर तू दूसरी मैच में हार गया ना तो वालिया पूरे शहर में पोस्टर लगा देगा कि हारा हुआ खिलाड़ी दक्कू अनाड़ी। मनोज दादा, मनोज दादा, ओ हर्षद भाई, आप हंस रहे हो? दक्कू भाई चेहरा तो देखिए। राज, तुम भी हंस रहे हो? गले में कुछ फालतू बातें मत करो। हाँ, और हर्षद भाई, मनोज दादा, क्या है ये, क्या मजाक उड़ा रहे हैं आप लोग? सीरियसली पन्ना भी इसलिए इसलिए नहीं हंस रहे हैं कि ये जालर हार गया, लेकिन इसलिए हंस रहे हैं ये डींगे मारा था ना, मैं तो जानबूझ के हारा, जानबूझ के हारा है। ये बात थोड़ी हजम नहीं हुई। ये अटल सत्य है कि मैं जानबूझ के हारा था। अरे मुझे लगा कि बेचारा तिवारी मुझे क्या हराएगा, उसमें कितनी समझ होगी, वो कहाँ और मैं कहाँ, इसलिए मैंने उसे थोड़ा लाइटली ले लिया और हार गया। बट एग्जैक्टली ये जो आपने बोला ना कि तिवारी बेचारे को कितनी समझ होगी, है ना, वो तो वॉचमैन है ना, ये जो आपका घमंड है ना वो आपको ले डूबा। नहीं, एकदम बराबर बोल रहे राजेश भाई, एकदम बराबर बोल रहे। तू अपने सामने किसी को कुछ समझता ही नहीं है, इसलिए इसलिए भगवान ने तेरे को समझाया। झालर, अभी अकड़ छोड़ और हार मान ले। हाँ। ए पंटर, मुंगो मार। आप लोगों को लगता है ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? ठीक है, कल आप सब लोग क्लब हाउस में आ जाइए, मैं आप सब लोगों के सामने उस तिवारी को हराऊंगा, और इस बार कोई रहम नहीं होगा। भाई क्या चल रहा है ये?
कुछ नहीं है? देखो सोसाइटी ये चेस खेलने का पैसा देती है। नहीं नहीं साहब माफ कीजिएगा, वो आज मेरा मैच है ना साहब जोशीपुरा साहब से, तो उसी की प्रैक्टिस कर रहा था साहब, गलती हो गई साहब, माफ कर दीजिएगा। माफी मुझसे नहीं, घर जाके अपने बीवी बच्चों से मांगियो, जब तेरी नौकरी चली जाएगी तब। ऐसा क्यों बोल रहे हैं साहब, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी साहब, मैं तो अपनी ड्यूटी भी पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहा हूँ, हर आने जाने वाले पर मेरी पूरी नजर है साहब। इधर अगर तू अपनी नौकरी बचाना चाहता है ना, तो आज डक्कू से चेस में हार जाए और तेरे को तीसरी गेम में भी हारना पड़ेगा, समझा? ये क्या बोल रहे हैं साहब आप? अरे मैं तो तिवारी सिर्फ बोल रहा हूँ, ये मैसेज तो किसी और का है, तू समझ रहा है ना कि ये चेतावनी मैं किसके बिहाफ पे दे रहा हूँ, इतना तो तू समझदार है, समझा? समझ गया सर, समझ गया। अगर तिवारी तू समझ गया है तो वही कर जो मैं तुझे कह रहा हूँ, सत्ता के आगे शान पट्टी नहीं चलती, अगर डक्कू हार गया ना तो तेरी तो नौकरी गई, समझ ले इस बात को, ठीक है? कमाल है, जोशीपुरा साहब ने वालिया साहब को मुझे धमकी देने के लिए भेजा है, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। खैर शायद यही जीवन है। राजा राजा होता है और प्यादा प्यादा। क्या बात है तिवारी साहब, परेशान दिख रहे हो। नहीं नहीं साहब कुछ नहीं साहब, ठीक है साहब। शाम को मैच है ना? जी साहब। अच्छे से प्रैक्टिस करना, वो घमंडी दक्कू को हराना है तुमको, ठीक है? ठीक है साहब। ऑल द बेस्ट। चलो मैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। चेस एंड मैथ्स का ना एक रिलेशन है। वो कैसे थे भैया? चेस एंड मैथ्स। जैसे चेस के बोर्ड में 64 स्क्वायर्स होते हैं, वैसे ही मैं रियल लाइफ के 64 डेज में वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी बन सकता हूँ। कुछ भी क्या सच्ची? चलो मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। अब तुम दोनों मानो कि तुम दोनों की एक कंपनी है, ठीक है? उसमें मैं एज एन एम्प्लॉई जॉब मांगने आया हूँ, तो तुम मुझे पूछो कि मैं कितनी सैलरी लूंगा। ओके मिस्टर अथर्व वागले, we are quite impressed with your skills. तो आप बताइए कि आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हो? सर एंड मैम, मैं सिर्फ 64 डेज की सैलरी लूंगा, लेकिन एक शर्त पे कि एवरी डे मेरी सैलरी डबल होगी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 रुपी, एंड आफ्टर 64 डेज मैं आपकी कंपनी में लाइफ टाइम के लिए फ्री में काम करूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर अथर्वा वागले? सिर्फ 64 डेज की सैलरी? हाँ, लेकिन एक शर्त पे कि एवरी डे मेरी सैलरी डबल होगी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 रुपी, मंजूर है? मंजूर है। ओके, तो अब हम इस चेस बोर्ड के साथ कैलकुलेट करते हैं। तो ये है पहला स्क्वायर, यानी पहला दिन, तो मेरी सैलरी कितनी होगी? 1 रुपए। फिर ये है दूसरा स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर मतलब 2 दिन, तो 2 रुपए सैलरी। फिर 4 रुपए, 8, 16, 32, 64, 128, 512, 1024 एंड 2048। अभी हम ये कैलकुलेट पे कैलकुलेट करो। पर भैया आपने बोला सिंपल कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर यूज नहीं करना। हाँ, पर अब से कैलकुलेशन सिंपल नहीं होने वाली है, दिखाओ मैं करता हूँ। तो और फिर 30th डे पे मेरी सैलरी हो जाएगी 536 मिलियन। यस। और ये तो बस 30 दिन ही हुए, तू देखता जा बस। और फिर इसी तरह डबल करते हुए आखिरी दिन यानी 64 डे मेरी सैलरी हो जाएगी 9,220,000 ट्रिलियन। एग्जैक्टली किट्टू विद्युत, पता है पुराने जमाने में गरीब किसानों को जब शाहूकार पैसे इंटरेस्ट में देते थे ना, तब इसी तरह का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का खेल खेलते थे और उनकी जमीन घर सब पर कब्जा कर लेते थे। इसीलिए उस जमाने के स्कॉलर्स ने उन्हें फ्री टाइम में ना ऐसे चेस, शतरंज, चौपट का खेल खेलने के लिए कहा, और इस तरह के खेल खेलते खेलते ना उन्हें समझ में आने लगा कि वो कैसे फंस रहे हैं और किसी भी तरह का लोन लेने से पहले उन्हें क्या कैलकुलेशन करना चाहिए। और इस तरह की टेक्निक हमें भी समझाती है कि हम जब भी कोई लोन लेते हैं तो सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं बल्कि कंपाउंडिंग रेट का भी ध्यान रखना चाहिए। अब चलो जाकर तिवारी अंकल और दक्कू अंकल का गेम देखना है ना, चलो जल्दी उठो। Come on!
दक्कू भाई ऑल द बेस्ट, अच्छे से खेलेगा। हेलो सर, क्या विद्या और मम्मी पापा नहीं आए ये मुकाबला देखना? पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।